unites.com, redefining Bollywood. मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पहले तो आप सबने जो मेरे लिए कष्ट उठाया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। 6 तारीख से लेकर अभी तक इतना कष्ट आप लोगों ने उठाया, लेकिन एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, एक बुक मिलती है जहाँ पे फर्लो और पेरोल के बारे में लिखा गया है, उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं। तो जो भी करने से पहले मैं आप सब प्रेस वालों को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बुक पढ़ें और फिर उसके बारे में आपको जो भी कहना है आप कहें। यू नो इट्स अ बुक ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ पेरोल एंड फर्लो। पहले मैं फर्लो पे आया था, अभी मैं पेरोल पे आया हूँ और रोज हर जेलों से लोग फर्लो पे निकलते हैं और पेरोल पे निकलते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि मेरे पे कोई फेवर किया गया है। देशमुख साहब एक आईएएस ऑफिसर है, बहुत बड़े, एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल, इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। उनके पास 300-400 पेरोल एप्लीकेशन आते हैं और वो उन्होंने बहुत सोच समझ के ये चीज़ की है और मेरा एप्लीकेशन रिफ़र करने के लिए भी वापस भेजा है और उस रिफ़र करने के बाद पुलिस रिपोर्ट गई है, डॉक्टर का रिपोर्ट गया है और इसी वजह से मैं पेरोल पे हूँ। जाँच करने के बाद जो भी पता चलेगा और जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट होगा वो हम लोग करेंगे और बिल्कुल करेंगे। और एक और बात कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ जो कैंसर में थी, उन्होंने राज्यसभा अटेंड किया। रिचा जो कैंसर में थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों का बच्चे का ख्याल रखा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आदमी मरने की हालत पे हो तो उसे पेरोल मिलता है, जो ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी जीता है चाहे जो भी बीमारी हो। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ प्रे फॉर माई वाइफ and I request my fans to pray for her that everything is okay still and main aapse request karta hu ki bas pichli time ki tarah jis tarah aapne mujhe respect ki thi aur meri baat suni thi is baar bhi aap kare taki main apni jitna bhi time mujhe mila hai apni wife ke sath bita sakun aur jo bhi tests hain wo main kar sakun and I thank you and I respect you and I love the press and I love the people of the country. Thank you. Okay. Jai. Thank you for watching. Click on the subscribe button and stay tuned.